इस वीडियो में हम भोजन के दूसरे महत्वपूर्ण समूह यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। ये खाद्य हमें ऊर्जा या काम करने की शक्ति देते हैं। कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाकर हम दिन भर सक्रिय रह सकते हैं और हमारा मन काम करने और खेलकूद में लगता है। ये खाद्य मस्तिष्क यानी दिमाग को भी ऊर्जा देते हैं, जिससे हमारे सोचने और सीखने की क्षमता बढ़ती है। किंतु अच्छे स्वास्थ्य के लिए सही कार्बोहाइड्रेट का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सरल या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे मैदे के बने केक, पेस्ट्री, आलू के चिप्स, कोक या पेप्सी जैसे मीठे पेय और मिठाई। ये खाने हमें कुछ समय के लिए तो ऊर्जा दे सकते हैं, परंतु इनके द्वारा दी गई ऊर्जा जल्दी खत्म हो जाती है और हम फिर से थका हुआ महसूस करने लगते हैं। इन खाद्यों का अधिक सेवन करने से न केवल हमारा वजन बढ़ सकता है, पर खून में शक्कर की मात्रा भी बढ़ सकती है, जो बाद में हमारे शरीर को हानि पहुंचाती है। पर जब हम कॉम्प्लेक्स या साबुत कार्बोहाइड्रेट्स से बने खाद्य खाते हैं, तो वो हमारे पेट में देर तक रहते हैं और उनका पाचन भी अच्छी तरह होता है। साबुत कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण हैं गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी, छिलके वाला भूरा चावल, गेहूं से बना दलिया, मकई, कोटू और जौ के आटे से बने व्यंजन। इन प्राचीन अनाजों में अनेक पौष्टिक तत्व होते हैं, जो न सिर्फ हमें देर तक काम करने की शक्ति देते हैं, पर हमारी सेहत के लिए भी लाभदायक होते हैं। साबुत अनाज के खाद्य हमें लंबे समय तक ऊर्जा देते हैं। उन्हें प्रतिदिन प्रोटीन खाद्य और फल या सब्जियों के साथ खाएं। ध्यान रहे उनकी मात्रा कम से कम थाली का 1/4 हिस्सा होना चाहिए। हर माँ चाहती है कि उसके परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से हो। इसके लिए आवश्यक है कि परिवार के सभी सदस्यों को पर्याप्त स्फूर्ति और शक्ति मिले। खासकर छोटे बच्चों को पढ़ने लिखने और बढ़ने के लिए बहुत ऊर्जा चाहिए। ऐसे में माँ को मैदे से बने हुए या बाजार से लाए पैकेट के खाने के बजाय साबुत अनाज से बना ताज़ा खाना चुनना चाहिए। इससे माँ और उसका परिवार स्वस्थ और सफल बनेगा।